सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1039 अनऑफिशियल साइट्स पे आ चुका है, ऑफिशियली संडे को रिलीज होगा। अगर तुम मेरे से पूछो ये चैप्टर कैसा था, भाई लॉ और किड ने आतंक मचा दिया पूरे चैप्टर में। जिस तरह से उन लोगों ने फाइट किया लेलेन के खिलाफ, भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। प्लस बहुत सारे फैंस इस चैप्टर को रीड करने के बाद यार नाराज हो जाने वाले हैं, क्योंकि आखिर लेलिन कैसे पिट सकती है, वो इतना ज्यादा डैमेज कैसे झेल रही है, उसको तो कौन कर रहा कि कोटिंग आती है ना, लॉ और किड का अटैक उसे डैमेज कैसे कर रहा है। टेंशन मत लो, सारे सवालों का जवाब तुमको इसी चैप्टर के रिव्यू में मिलेगा। सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो कवर पेज था, हमें कवर पेज के नाम पे कलर पेज दिया गया है, और इस कलर पेज पे हमें लूफी और काइडो दिखते हैं, जहां पर काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में रहता है। यहां पर दो चीजें लिखी हुई रहती हैं, द वॉर दैट टीयर्स डाउन एन एरा, जो कि ऑब्वियसली बातें होने वाला है। सेकंड चीज वानो आर्क क्लाइमैक्स, ये सारी चीजें हमें मालूम है, वानो आर्क अपने क्लाइमैक्स में है। अब अगर हम लोग सीधे चले चैप्टर की तरफ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग के दो पैनल्स में ही हमें मालूम पड़ जाता है कि अब वानो कुनी सेफ है, बिकॉज मोमोनोस्के ने अपने फ्लेम क्लाउड्स का यूज करके उसको वहां से दूर ले गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज हमें मालूम पड़ता है, जो मोमोनोस्के है वो कुछ आवाजें सुनता है, अब वो क्या है। यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन है कि हो सकता है वो जुनेसा ने उसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से कनेक्ट किया है, बिकॉज जैसा कि तुम जानते हो जुनेसा ने रास्ते में किसको देखा, वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिप्स को। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो जुनेसा ने वॉइस ऑफ ऑल थिंग का यूज करके मोमोनोस्के को वार्निंग करने का कोशिश किया हो। अब ये मेरा प्रेडिक्शन है, सच होगा नहीं होगा वो तो यार ओडा ही जानता है। खैर इसके बाद में मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज पूरा चैप्टर यार फाइट से भरा हुआ था, तो इस वजह से मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। जैसे बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि आखिर यार कैसे करके लॉ का अटैक बिग मॉम को डैमेज कर रहा है, या फिर किड का अटैक बिग मॉम को डैमेज कर रहा है। टेंशन मत लो, सारे सवालों का जवाब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। चैप्टर 1030 के एंड के पेजेस पे अगर तुम जाओ, वहां पर हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि वहां पर लॉ अपने डेविल फ्रूट को फर्स्ट टाइम अवेकनिंग करके हमें दिखाता है वन पीस में, और वहां पर हमें एक चीज तो मालूम पड़ जाता है। जिन लोगों ने ध्यान से चैप्टर को रीड किया होगा उन लोगों ने ये चीज यार नोटिस किया होगा बार बार लॉ के केरूम वाले अटैक में, बिकॉज जब उसने पहली बार ही लिलिन को अटैक किया था, यार लेलिन मुंह से खून की उल्टियां करती है, उसके अंदर से डैमेज होता है। मतलब यहां तुम समझ रहे हो, लॉ का जो अटैक है वो इंटीरियर डैमेज देता है, अंदर से शॉक वेव पैदा कर देता है बॉडी के अंदर से। फर्क नहीं पड़ता तू कॉन्करर हॉकी यूजर है या फिर नॉर्मल वाला बंदा है, वो अंदर से डैमेज करता है। मैं ये सारी चीजें दावे के साथ कैसे कह रहा हूं, तुम गौर करना, लॉ ने अपना पूरा तलवार यार लिलिन के बॉडी में घुसा दिया था उस वक्त, और लिलिन को अंदर से डैमेज हुआ था। भाई वहां पर तुम गौर करो, उसके बॉडी में खरोच का निशान कहीं पर नहीं है बाहर की तरफ, वो अंदर से डैमेज होती है, समझ रहे हो ना। लॉ का जो डेविल फ्रूट अवेकनिंग है वो उसे प्रोवाइड करता है इंटीरियर डैमेज देने का, वो अंदर से शॉक वेव टाइप यार अटैक करता है, अंदर से बॉडी को डैमेज देता है। जिस वजह से अगर तुम कॉन्करर हॉकी कोटिंग करते हो, जैसे कि तुम सब जानते हो कॉन्करर हॉकी कोटिंग करने से क्या होता है, सामने वाला अगर कॉन्करर हॉकी कोटिंग वाला यूजर है तब जाके वो तुम्हें अटैक करने के बाद तुम्हें डैमेज होगा, बट ये दोनों एडवांस कॉन्करर हॉकी तो इनके पास आती नहीं है। किड के पास कॉन्करर हॉकी है पर उसे आती नहीं है, लॉ के पास है कि नहीं अभी तक मालूम नहीं है, बट लॉ क्या कर रहा है, अंदर से डैमेज दे रहा, बाहर ना तू भाई कॉन्करर हॉकी कोटिंग करके रखेगा, अंदर कौन तुझे बचाएगा। अब ये तो यार लॉक का डेविल फ्रूट अवेकनिंग फर्स्ट चीज प्रोवाइड करता है। सेकंड चीज, चैप्टर 1031 के स्टार्टिंग के पेजेस में ही हमें बता दिया जाता है लॉ के द्वारा कि आखिर किड का जो डेविल फ्रूट अवेकनिंग है वो उसे क्या पावर देता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में भी हमें किड का अवेकनिंग का नया पावर देखने को मिलता है, जिस पर मैं बात करूंगा जब मैं किड के डेविल फ्रूट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तब मैं उस पर डिटेल से जाऊंगा उसका अवेकनिंग किस टाइप का है वगैरह वगैरह, बट फिलहाल के लिए हम लोग लॉ पे ही रहते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, लॉ के बारे में हमें थोड़ा बहुत भी नहीं बताया जाता है कि आखिर लॉ का डेविल फ्रूट अवेकनिंग किस तरह से काम करता है। यहाँ पर ओडा ने हमसे ये सारी चीजें छिपा के रखी है। साथ ही साथ मेरा एक और चीज का प्रेडिक्शन है, पहला चीज तो मैंने बता दिया लॉ अंदर से डैमेज देता है, इंटीरियर डैमेज देता है, जिस वजह से
लेलिन अगर कॉन्करा की कोटिंग करती भी है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर से डैमेज देकर उसको चोट पहुंचा सकता है। बट यहाँ पर एक और उसको एडवांटेज मिलता है, जब भी लॉ अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करके लेलिन के ऊपर हमला करता है भाई, उसके बाद उसका कॉन्करर हॉकी वाला जो कोटिंग है वो हट जाता है, या फिर वो कुछ टाइम के लिए अपना कॉन्करर कोटिंग नहीं कर पाती है। आई मीन शायद वो अपने हॉकी को भी यूज नहीं कर पाती हो, क्योंकि अभी तक हमें वो चीज दिखाया नहीं गया। अब देखो लेलिन को कॉन्करर हॉकी कोटिंग आती है, बट जब भी लॉ अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करके लेलिन के ऊपर अटैक करता है उसको डैमेज पहुंचता है, और ठीक उसके बाद किड लेलिन के ऊपर हमला करता है। और ये चीज को लेके इस चैप्टर में यार झगड़ा भी होता है किड और लॉ के बीच में। यहाँ पर एक दूसरे को यार ताना मारामारी होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉ कहता है ये मिलाकर दूसरी बार हो गया, जब मैं अटैक करता हूँ उसके बाद ही तू वहाँ पर अटैक करता है, मैं तो तेरा कोई सपोर्टर नहीं हूँ कि मैं पहले सपोर्ट दूंगा फिर जाके तू फाइनल अटैक करेगा, समझ रहे हो बात। अगर किड पहले अटैक करे ना तो लेलिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका बॉडी झेल लेगा या फिर कॉन्करर हॉकी कोटिंग करके बच जाएगी। बट जब लॉ अटैक करता है होता क्या है, उसको अंदर से डैमेज पहुंचता है, जिस वजह से उसका कॉन्करर हॉकी कोटिंग हट जाता है या फिर वो हॉकी यूज ही नहीं कर पाती है। और क्या करता है उसके बाद, किड अटैक कर देता है जिस वजह से उसको डैमेज पहुंचता है, समझ में आया। और यही वो वजह है जिस वजह से डबल अटैक हो रहा है, और उसी वजह से लेलिन अभी शायद हारने के कगार पे आ गई है। अभी तक पूरा यार ओनिगासीमा में हल्ला तो नहीं मचा है कि वो हार चुकी है, बट ऐसा तो लग रहा है चैप्टर देख करके कि वो हार गई है। वहीं अगर मैं बात करने जाऊं इस चैप्टर के साइड में और कौन कौन सी चीजें चली, तो यहाँ पर हमें यामाटो का छोटा सा रिएक्शन देखा, मोमोनोसुके को एक पैनल के लिए देखा, साथ ही साथ हमें एक और चीज मालूम पड़ा कि ओनिगासीमा स्कल जो है वो वानो से दूर जा चुका है। ये तीन चीजें हुई, और इसके अलावा पूरा चैप्टर में फाइट भरा हुआ था। और भाई लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉ जिस तरह से यार ब्लीच के गिन की तरह अपने स्वॉर्ड को लंबा किया भाई, वो तो एक अलग लेवल पे था। लॉ तो आतंक मचा दिया, फाड़ के रख दिया, और किड ने भी कुछ कम नहीं दिखाया भाई, वो तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा है। पर क्या करे, वो किसी और बंदे को ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, बट लेलिन के साथ सीन क्या, उसको लॉ का हेल्प चाहिए। अब मैं यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट पेज पे चलना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत सारी चीजें यार ओडा रिवील करके जाते हैं, जहां पर तुम सबने यार ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअल में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बट मेरे खबरियों ने ला करके दे दिया, तो चलो अब उस पर भी बात कर लेते हैं। एकदम चैप्टर के लास्ट वाले सीट पे मैं यहाँ पर कलर वाला पेज दिखा रहा हूँ, बट जो तुम लोग ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो मांगा का जब तुम देखोगे ना, वहां पर एक चीज लिखा हुआ रहता है, ड्रैगिंग द एम्परर्स ऑफ देयर थ्रोन्स। यहाँ पर तुम गौर करो, एम्परर्स लिखा हुआ है, एम्परर नहीं लिखा हुआ, मतलब तुम समझ रहो वानो में अभी कितने एम्परर हैं, दो एम्परर हैं, लेलिन और काइडो, और यहाँ पर एम्पायर्स लिख दिया है। ये चीजें तो हैं कि लेलिन हारने वाली है, प्लस काइडो भी हारेगा, दो चीजें हमें कंफर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर एम्पायर्स लिखा हुआ है, एम्परर नहीं लिखा हुआ है। अब चलो फाइनली हम लोग इस चैप्टर के मेन हाईलाइट पे आते हैं, जहां पर मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर का मेरा फेवरेट मेन हाईलाइट पे कौन कौन सी चीजें थी। तो मेरा यार सबसे नंबर वन पे था लॉ का वो लंबा स्वॉर्ड करने वाला अटैक, जिस तरह से उसने यार अपने स्वॉर्ड को लंबा करके दिखाया था वो बहुत ही ज्यादा बवाल था, बहुत ही ज्यादा औसम था। उसके बाद मुझे मर्सी देखने को मिली, जब मर्सी यार वो जलता हुआ देखने को मिला, वो बहुत ज्यादा यार ओपी मोमेंट था, बहुत ज्यादा जबरदस्त था लेलिन के तरफ से। साथ ही साथ किड भी पीछे नहीं रहा, जिस तरह से उसने एन और एस वाला अटैक किया वो भी बहुत ज्यादा मस्त था। प्लस फाइनल पेज की बात करूं, जिस तरह से किड ने यार गन बना के मारा वो वाला भी बहुत ज्यादा मस्त मोमेंट था। ये सारी चीजें यार मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा। अब तुमको कौन कौन सी चीजें मस्त लगी वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम मेरे से रेटिंग मांगो तो मैं उसे दूंगा 7/10, ठीक है, क्योंकि यार इसमें पूरा एक्शन भरा हुआ था, स्टोरी आगे नहीं बढ़ा, चैप्टर अच्छा है। एक्शन के मामले में अगर मैं जाऊं तो बाकी सभी चैप्टर से ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बट स्टोरी के मामले में कुछ आगे बढ़ा नहीं। हाँ ये चीज है कि लेलिन को उन्होंने हरा दिया ऐसा लग रहा देख के, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जब ओनिगासीमा स्कल में पूरी तरह से अनाउंसमेंट हो जाएगा बाओहांग के द्वारा कि लेलिन हार चुकी है, तब मैं इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। ये जो CP0 वाले जिस तरह से यार चौड़ होके घूम रहे हैं ना, और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बाकी सभी बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, अभी भी है ना दो एम्परर्स तो खड़े हैं, एक हार गई उसके बाद देखते हैं काइडो का क्या रिएक्शन होता है। मैं वो सारी चीजें देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो, जैसा कि तुम सब जानते हो सरस्वती पूजा, मतलब तुम समझ जाओ मेरे घर के बगल में पूरा बॉक्स बजने वाला है,
मतलब हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँ, तो उसी वजह से ये होगा वीडियो आने में थोड़ा लेट होगा, तो उस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अगर मैं रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो जाता हूँ तो बिंदास रहो यार, वीडियो तो आ ही जाएगा, मैं कोशिश करूँगा, बट थोड़ा वेट कर लेना। उसके बाद से जैसे ही बॉक्स वगैरह बजना बंद हो जाएगा, हम लोग यार फिर से पहले की तरह रेगुलर हो जाएंगे। खैर, वीडियो पसंद आया लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए हो, और अगर तुम इतना कर ही दिए हो तो बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になって